ये कार है BMW 5 सीरीज और आज के स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं इस कार की उस RPM की प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि इस कार पे जो RPM है 2500 से ऊपर जो RPM नहीं जा रहे हैं वो किस वजह से नहीं जाते हैं और जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, यानी कि इसमें एक्सेलरेटर आप पकड़ के रखो तो वो RPM एक टाइम के लिए चले जाते हैं सडनली, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो RPM बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमने इस कार को जब स्कैन किया तो इसमें जो फॉल्ट आया था वो आया था इसमें EGR वाल्व का। और आज के स्टूडियो हम करने वाले हैं इसमें EGR वाल्व और इसका एयर इंटेक सिस्टम क्लीन। तो ये कार है BMW 5 सीरीज और इस कार में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है चढ़ाई पे, ये कार एक तरीके से लोड नहीं लेती है किसी भी फ्लाईओवर पे, अगर चढ़ने पे जब आती है ये कार तो चढ़ नहीं पाती है प्रॉपर तरीके से। और इस कार में जो प्रॉब्लम आती है मेनली वो डी और रिवर्स दोनों गियर में आती है, ये कार चढ़ाई पर सही तरीके से चढ़ नहीं पाती है क्योंकि ये कार जब RPM भी पूरे नहीं जाते हैं तो उस कंडीशन में ये कार ऊपर हाईवे पर नहीं चल सकती है, यानी कि एक फ्लाईओवर की चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम है इस कार के अंदर। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार की उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। तो ये कार है BMW 5 सीरीज 530D डीजल इंजन इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, यानी कि ये जो कार है ये 6 सिलेंडर इंजन है और ये इनलाइन इंजन है, वी शेप नहीं है। तो आज की इस वीडियो हम खोलेंगे इसका EGR वाल्व, एयर इंटेक पाइप। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है BMW 5 सीरीज। तो आप देख सकते हैं अभी हमने इस जगह से खोला हुआ है इसका ये EGR वाल्व, ओके बाकी का हमने इसको भी कवर किया हुआ है, ये इस जगह पर ये पाइप वगैरह हैं तो इनको भी अभी हम क्लीन करेंगे और इस जगह से हमने ये खोले हुए हैं पूरे इसके पार्ट वगैरह, ओके। तो अभी हम आपको चेक कराने वाले हैं किस तरीके से वो स्टक हो चुका है, जो प्रॉब्लम है जाम होने की, ये इस जगह पर देख सकते हैं आप ये बिल्कुल जाम हो चुका है। ये देखिए काफ़ी जोर लगाने पर भी नहीं चल रहा जबकि एकदम स्मूथली चलना चाहिए इसको, एक तरीके से ट्रेवल करता है यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेकिन ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको पूरा क्लीन करेंगे। ये इस जगह पर आपको दो बोल्ट खोल करके इसके EGR कूलर को आप अलग कर सकते हैं, देखिए ये इतना छोटा सा है इसका पार्ट, ये है मेन EGR और बाकी का जो पार्ट है ये है इसका EGR कूलर, ओके। और ये है इसका बाईपास कंट्रोलर। तो यहाँ पर अभी हम ये पाइप वगैरह हटा करके और इसके EGR को बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे किस वजह से स्टक हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है इस पार्ट के अंदर, तो उसको क्लीन करेंगे। देखिए हैमर की हेल्प से तो निकालना पड़ा, इतना जाम हो चुका है ये वाल्व इसके अंदर, ओके। तो ये है इसका मेन EGR वाल्व और जो हम इस पार्ट को अभी ओपन और क्लोज कर रहे थे वो ये वाला पार्ट था और ये ही सीधे कनेक्टेड होता है इस रॉड से, ये देखिए। अब इसको निकालने के बाद ये देखिए कितना ईजिली मूव कर रहा है, अभी जो पार्ट ये बिल्कुल स्टक था और अब देखिए इसको बाहर निकालने के बाद ये देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, ओके। तो ये इस तरीके से है इसमें प्रॉब्लम, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब ये मूव कर रहा है बड़ी आसानी से, और अभी जो प्रॉब्लम थी स्टक होने की वो इसी के साथ थी। तो ये क्यों स्टक हो रहा था ये अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें मेनली जो है वो काफ़ी कार्बन वगैरह इसमें अंदर जम गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी खोल करके इसको पूरा क्लीन करके फिटिंग करेंगे और इसको चेक करेंगे परफेक्टली किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, या कोई बैरिंग वगैरह इसके अंदर, या बुशेज तो जाम नहीं हो जाता हीट होने के बाद। तो करते इसको पूरा बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन। तो यहाँ पर अभी हम इस EGR को क्लीन कर रहे हैं पेट्रोल से और साथ ही साथ फिर हम इसे क्लीन करेंगे EGR कूलर से, EGR क्लीनर से। तो अभी हम इसको EGR क्लीनर से भी क्लीन करेंगे। तो पहले हम इसे बेसिक जो पेट्रोल होता है उससे क्लीन कर रहे हैं जिससे कि ये स्टक ना हो, किस वजह से स्टक हो रहा है, सारा कार्बन हम इसका क्लीन कर रहे हैं, ओके। तो उसको क्लीन करने के बाद फिर हम करेंगे इसको फिटिंग। तो फाइनल फ्रेंड्स अभी हमने इस जगह पर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने इसको इंटरनल अच्छे से सभी जगह से अच्छे से क्लीन कर दिया। तो यहाँ पर अभी एक बार हम इसको स्प्रे लगा देते हैं लास्ट टाइम, जिससे कि और छोटा मोटा जो कार्बन होता है और उसको कपड़े से क्लीन कर देते हैं। तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं एकदम कपड़ा जो है एक तरीके से क्लीन निकल रहा है अंदर की साइड से, बिल्कुल भी कैसी भी कोई कार्बन नहीं है इसके अंदर। तो पहले जो स्टक हो रहा था वो अंदर की साइड काफ़ी कार्बन इसमें डिपॉजिट हो गया था, उसकी वजह से ये अंदर की तरफ स्टक हो रहा था बाल, आप देख सकते हैं। और अब ये बिल्कुल देखिए एकदम फ्री हो चुका है इसका बाल, कैसी भी कहीं कहीं अब कोई स्टक वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फ्री चल रहा है एकदम फ्री, ओके। तो जितना ये फ्री मूवमेंट करेगा उतना ही ये परफेक्टली गाड़ी के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी और ब्लैक स्मोक, वाइट स्मोक और जो भी पिकअप की प्रॉब्लम आती है या RPM की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, अच्छी तरीके से कार एकदम रन होगी। तो इस तरीके से फ्री होना चाहिए। तो ये आपको चेक करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसे, ये देखिए, ओके। तो यहाँ पर अभी हम इसे फिटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से हमें फिटिंग करना होता है यहाँ पर इसके EGR कूलर पर। तो आपको ये इस तरीके से इसमें फ़िटिंग करना है और फिटिंग के टाइम पे आपको ये इजीली प्यार से बैठना चाहिए इस तरीके से। और इसमें जो बोल्ट होते हैं जो हमने दो बोल्ट खोले हुए थे वो दोनों बोल्ट भी अभी हम इसमें लगाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से चेक करना है, अच्छी तरीके से फिक्स होना चाहिए। तो ये है इसका पहला बोल्ट जो कि हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये
T30। ओके तो अभी यहाँ पर इसके दूसरे अपोजिट साइड हम इसका जो दूसरा बोल्ट है इसको भी लगा देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दूसरी साइड हमने इसका दूसरा बोल्ट लगा दिया है। ओके तो अभी इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से, और टाइट करने के बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा यही सेम प्रॉब्लम, एक और वीडियो अपलोड करूंगा जो कि सेम प्रॉब्लम आई हुई है दूसरी कार के अंदर, क्योंकि ये कार है BMW 5 सीरीज और वो जो कार है वो है BMW 3 सीरीज। तो इसके भी हम ये दोनों बोल्टों को टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद इसको अच्छे से फिर फिटिंग करेंगे कार के अंदर। तो ये दोनों बोल्ट आपको आमने सामने के एक तरीके से बराबर ही टाइट करने हैं, ऐसा नहीं कि पहला एक बोल्ट अच्छे से टाइट हो जाए फिर दूसरा बाद में। इसको दोनों को आपको बराबर पावर से ही, बराबर टॉर्क से ही दोनों को टाइट करना होता है। ओके क्योंकि ये जो पार्ट है वो एल्युमिनियम पार्ट है। तो दोनों बोल्ट अच्छे से तरीके से टाइट हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार और हमको चेक करा देते हैं। तो पहले जो लगी हुई कंडीशन में ये स्टक हो रहा था, आप देखिए लगी हुई कंडीशन में बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एंड पॉइंट तक काम कर रहा है, बिल्कुल पूरा जो ट्रबल करना चाहिए जी आर को पूरा परफेक्टली ट्रबल कर रहा है, अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि 0 to 100 की जो परसेंटेज लेवल है वो वहाँ तक पूरा काम कर रहा है, अब कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया तरीके से रन कर रहा है। तो इसके ऊपर जो हम कवर होता है इसका एक डस्ट कैप होता है, उस कैप को भी हम यहाँ पर इसमें फिटिंग करेंगे, और फिर फिटिंग करेंगे हम इस EGR को कार के अंदर। तो यही EGR सेम आता है BMW X5 में, BMW की 3 सीरीज E60 में, यानी कि 320। और यह है इसका प्लास्टिक कैप, इसको हम लगा देते हैं इस EGR वाल के इस कवर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है। तो इसके दोनों साइड यहाँ पर होते हैं इसमें दो बारीक लॉक जो कि आपको इस जगह लोकेशन पर लेने होते हैं छोटे से एरो के पास, और यही आपको सेम दूसरी अपोजिट साइड देखना होगा। तो ये आपको दोनों साइड आपको अच्छे से फिटिंग करना है। तो ये इस तरीके से फिटिंग कर देते हैं इनको। ओके तो ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाना चाहिए, ये अभी फिटिंग कर रहे हैं। ये इस तरीके से बिल्कुल बारीक तरीके से आपको देखना है, ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, इसमें कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ ये लॉक पे एक तरीके से फिटिंग होना चाहिए। ओके तो करते हैं इसको फिटिंग कार के अंदर। तो यहाँ पर अभी हम फिटिंग कर रहे हैं इसका EGR वाल। तो इस जगह पर ये फिटिंग किया है इसका EGR कूलर, तो ये वाला साइड है इसमें एग्जॉस्ट साइड में फिटिंग होता है इस साइड, और ये यहाँ पर इसका EGR वाल की मोटर, और ये इसका EGR कूलर, इसको फिटिंग करेंगे हम सिलेंडर हेड में। और ये है इसका ऑयल कूलेंट का होज जो कि यहाँ फिटिंग होता है इसके सिलेंडर हेड में। तो इसको फिटिंग करते हैं इस जगह पर। तो फाइनल पॉइंट्स, अभी हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया है इसका एग्जॉस्ट पाइप पर EGR पाइप, और यहाँ पर ये इसका ब्रैकेट, और इस साइड ये इस तरीके से हमने फिटिंग कर दिया है। और यहाँ पर ये आपको उस साइड में एक छोटा सा प्लास्टिक का होल होता है, इस जगह पर आपको लगाना होता है इसकी एल्बो जो कि कूलेंट के लिए है, कूलेंट सर्किट है इस जगह पर। और इस जगह पर है इसका इंटेक का सर्किट जो कि सीधा कनेक्टेड है इसके हेड से, और उसके बाद हम यहाँ से ये पूरे पाइप को लगाएंगे इसके इस पार्ट तक और फिटिंग करेंगे, और कम्प्लीटली इस पूरे पाइप को भी अभी हम क्लीन करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे इस कार में। अब स्कैनिंग करने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कैसी भी कहीं कोई साउंड वगैरह या जो RPM की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने कार पूरी कंप्लीट कर दी है, और इस कार में जो भी फिटिंग थी बेसिकली EGR की, EGR कूलर की, एयर फिल्टर पाइप, होस पाइप वगैरह, एयर फिल्टर क्लीन वगैरह, वो सारे कुछ कर दिए हमने। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें ये देखिए साइड भी इसके जो इंटेक होस पाइप वगैरह थे, जो थ्रॉटल बॉडी वगैरह थी, सब कम्प्लीटली सभी कुछ पार्ट हमने फिटिंग कर दिया। तो मेनली जो प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर वो थी इसमें EGR वाल की, उसी की वजह से इस कार में फोर कोड जनरेट हो रहा था, और साथ ही साथ उसी की वजह से इसमें माल फंक्शन लाइट ऑन थी, और उसी की वजह से इस कार में जो RPM की प्रॉब्लम आ रही थी, हाई RPM नहीं जा रहे थे और कुछ स्मोक वगैरह आ रहा था, वो सब कुछ एक ही पार्ट की प्रॉब्लम थी, यानी कि वो था इसका EGR वाल। और वो हमने अभी इसको अच्छे से क्लीन करके और इसको फिटिंग कर दिया है। तो यहाँ पर ये कार जो है अभी एकदम परफेक्टली कम्प्लीट हो चुकी है, और अभी मैं आपको एक बार कार को स्टार्ट करके चेक करा देता हूँ। तो ये है इस कार की, इसको रखते हैं यहाँ साइड में, स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस। तो अब कार के अंदर आप देख सकते हैं कैसी भी कोई वार्निंग लैंप नहीं है, सभी लाइटें ऑफ हैं, कैसी भी कहीं कोई चेक लाइट वगैरह नहीं है, कोई इंडिकेशन लैंप नहीं है, और जो आई ड्राइव है वहाँ पर भी मैं आपको इसका व्हीकल स्टेटस चेक करा देता हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं कोई फोल्ड कोड चेक कंट्रोल में नहीं है। तो रिमोट कंट्रोल रिप्लेस बैटरी और डोर ओपन, क्योंकि मेरा जो ड्राइवर डोर है वो खुला हुआ है इसलिए वो मैसेज आ रहा है ड्राइवर डोर का, प्रॉब्लम नहीं है। ओके बिल्कुल ओके है, ऑल ओके। और अभी मैं आपको एक बार यहाँ एक्सेलरेशन करके भी चेक करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन करने पे भी जो RPM एकदम परफेक्टली एक बार में ही प्रेस हो रहा है। ओके कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है RPM के अंदर भी। तो ये कार थी BMW 5 सीरीज, और इस कार में हमने किया था इसका EGR वाल क्लीन। तो जो मेनली प्रॉब्लम थी वो थी इसमें RPM की, क्योंकि तो
अभी हमने इस जगह से खोला हुआ है इसका एजियर वाल्व, तो यहाँ पर फिटिंग था इसका एजियर वाल्व, और ये एग्जॉस्ट साइड से हमने इसके पाइप वगैरह खोले हुए हैं। यहाँ पर फिटिंग है इसका ये टर्बो चार्जर। ओके, तो अभी हम खोलने वाले हैं इसके एजियर वाल्व की जो सोलेनोइड है यानी कि इसको, और इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो ये आप सोलेनोइड देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से जाम हो चुका है, स्टक हो चुका है क्लोज पोजिशन पर। और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसमें रिप्लेस करेंगे इसके कुछ वैक्यूम पाइप, जैसे कि ये कुछ वैक्यूम पाइप वगैरह हैं जो कि ख़राब हो गए हैं ये सब हार्ड होने की वजह से, तो इनकी जगह से भी यहाँ से वैक्यूम लीकेज हो रहा है, तो जो इस जगह पर ये फिटिंग होता है इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कम्प्लीटली इन पूरे पार्ट को क्लीन करके और ये पाइप रिप्लेस करके और फिर एक बार कार को टेस्ट करके चेक करेंगे, कैसी भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, यहाँ पर जैसे कि अभी हमने आपको BMW 5 सीरीज़ का जो EGR था वो दिखाया था, और सेम देखिए सेम जो कंडीशन है वो इस वाले EGR की भी है। ये देखिए एक तरीके से स्टक रह चुका है, सो सेम प्रॉब्लम है इस कार के अंदर भी। ये देखिए जाम हो गया इसी जगह पर, और ये भी काफ़ी जाम है। तो ये है जो ये जो EGR है, ये है BMW 3 सीरीज़ का। तो ये जो कार है ये है BMW 3 सीरीज़, और इस कार में जो प्रॉब्लम है वो भी है EGR की। तो ये EGR भी बिल्कुल एक तरीके से क्लोज पोजिशन पर स्टक हो रहा है, आप देख सकते हैं इस जगह पर। ओके, लेकिन ये जो इंजन है ये है N47 फोर सिलेंडर डीजल इंजन इनलाइन, और वो जो इंजन था वो है 6 सिलेंडर। तो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इसकी इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से इस कार में जो RPM की प्रॉब्लम थी जो आपको हमने वीडियो को स्टार्टिंग में शो कराई थी RPM, और ये कार बार बार बंद भी हो जाती थी, कभी कभी चढ़ाई पर नहीं चढ़ रही है, फ्लाई ओवर पर नहीं चढ़ पाती, हल्की सी एक ईंट आ जाती, एक ईंट के ऊपर नहीं चढ़ पाती, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इस कार के अंदर। तो अभी हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, तो पहले हम इसको पेट्रोल से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इसको इससे रस्टिंग स्प्रे यानी कि इसका ये थ्रॉटल बॉडी क्लीनर है इससे क्लीन करेंगे इसको। ओके, तो इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको शो करा दी है किस तरीके से क्या प्रॉब्लम थी इस कार में। तो इसके जो RPM थे, मैंने एक्सीटर फुली प्रेस किया था लेकिन जो RPM था वो नहीं जा रहा था, और कार बार बार ऑफ हो रही थी, इस तरीके से प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम निकली है वो है इसके EGR की, जो कि अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर काफ़ी कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, कुछ कुछ कमी आ रही है इस जगह पर, इसमें जो बैरिंग होता है वो भी जाम हो जाता है, उसकी वजह से भी ये देखिए प्रॉब्लम आती है इस कार में। तो उसको अच्छे से क्लीन करना है, उसको क्लीन करके फिटिंग करेंगे इस कार के इंजन के अंदर, और फिर हम आपको चेक कराएंगे कार को ड्राइव करके, जो प्रॉब्लम थी पहले वो सॉल्व हुई या नहीं हुई, और साथ ही साथ जो चेक लाइट थी वो ऑफ हो गई या नहीं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने जो इसका EGR था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, और यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए पहले जो प्रॉब्लम थी इसमें ये देखिए अब बिल्कुल एकदम फ्री चल रहा है, जिस तरीके से मैं छोड़ा तुरंत ही इमीडिएटली ये रिवर्स आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको अच्छे से लुब्रिकेशन भी कर दिया है ऑयल लगा करके, तो इसका जो बैरिंग था वो एकदम फ्री हो गया है, ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो बैरिंग है वो भी रोटेट हो रहा है, और जो रॉड है वो भी एकदम परफेक्टली काम कर रही है, अब कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ये। ओके, तो अभी हम इस EGR वाल्व को फिटिंग करेंगे इस कार के हेड के इस पार्ट के ऊपर, यानी कि ये है इसका एग्जॉस्ट वाला पाइप इस जगह पर और यहाँ इस जगह पर। तो बेसिकली हमने उस कार में पूरा EGR कूलर खोला था कम्प्लीटली, और साथ ही साथ हमने उसके एयर इंटेक होज वगैरह उसके सारे क्लीन किए थे, लेकिन हमने इसमें ओनली जो इसका EGR वाल्व है वो क्लीन किया है, और उसको फिटिंग करके टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी लगाएंगे इसको, फिटिंग करेंगे, और उसके बाद इसके वैक्यूम पाइप वगैरह इसको रिप्लेस करके रिपेयर करके लेते हैं इस कार की एक छोटी टेस्ट ड्राइव। तो यहाँ पर जो आपको फिटिंग करना होता है वो मैं आपको उस वीडियो में भी शो कर सकता हूँ, और यहाँ पर इसमें एक बोल्ट आपको इस जगह फिटिंग करना होता है, दूसरा बोल्ट आपको उस जगह, बाकी के आपको यहाँ कूलेंट के कुछ होज होते हैं, ये होज पाइप हैं जो कि वैक्यूम के लिए हैं और कुछ कूलेंट के लिए है। ओके, तो इसके अंदर इंटरनल इसमें रॉड के अंदर जो कूलेंट होता है वो ड्राइव होता है। ओके, आपको जो कैप है इसको इस तरीके से यहाँ पर लॉक करना होता है इस तरीके से। ओके, और अभी हम इस कैप को लगा देते हैं पूरा कम्प्लीटली, इस EGR को फिटिंग कर देते हैं इस जगह पर। हमने इस जगह पर फिटिंग कर दिया है ये इसका EGR वाल्व, और इसके जितने भी जो भी हमने पाइप वगैरह खोली हुए थे सभी नट बोल्ट वगैरह हमने टाइट कर दिए हैं। ओके, और इस जगह पर जो इसका वैक्यूम पाइप था इसको भी इस जगह पर फिटिंग कर दिया है अच्छे से, और अभी एक बार हम कार की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं इसके ऊपर लगा करके, इसकी कवर टॉप वगैरह इसका इंजन कवर वगैरह लगा करके इसको कम्प्लीट करके। ओके, तो लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव, तो कम्प्लीटली EGR पूरा फिटिंग हो चुका है। फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है, और यहाँ पर जो DTC है वो मैं आपको चेक शो करा रहा हूँ इस समय। तो जो प्रेजेंट की जो DTC थी पहले फर्स्ट टाइम पे, वो ये इस तरीके के फोल्ड कोड थे, अभी हमें इनको क्लियर कर देते हैं। तो जो फोल्ड कोड है आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ओके हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फोल्ड कोड है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, नो फोल्ड कोड हो चुका है ओके। तो अब कैसे भी कहीं कोई DTC नहीं है, सभी फोल्ड कोड नो हो चुके हैं। तो इसको हम करते हैं बैक सिस्टम सिलेक्शन में जाके, हम आपको एक बार इंजन कंट्रोल मॉड्यूल दोबारा से चेक करके दिखाते हैं। तो ड्राइव पे जाके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और अब कैसी भी कोई वार्निंग लाइट नहीं है कार के अंदर, चेक लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ है।
फुल्ली आरपीएम भी इसमें एकदम काम कर रहे हैं परफेक्टली। फोल्ड कोड है वो है नो फोल्ड कोड, ओके। तो कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको वीडियो में शो कर चुका हूँ। इसका जो इजर बात था वो एक तरीके से चौक था और हमने उसको क्लीन करके लिया हुआ है। तो अब कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी।